अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपसे चिकन पिज्जा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल, इजी और टेस्टी रेसिपी बन जाती है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करने जा रहे हैं। मैंने कुछ ही चिकन के एक दो पीसेस लिए हैं, चेस्ट पीस में से लिया है मैंने, ये बोनलेस चिकन है। चलिए हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। मैं आपसे पहले इनके इंग्रीडियंट शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम अपने चिकन में नमक डालेंगे, ये हमें स्वाद अनुसार डालना है। यहाँ पे मैंने खाली आधा चम्मच लिया है, बिकॉज मेरा चिकन बहुत कम है तो आधा चम्मच लिया है। मैं अपना चिकन थोड़ा स्पाइसी चाहती हूँ तो मैंने रेड चिली पाउडर पूरा एक चम्मच डाला है। यहाँ पे मैंने सौंफ लिया है, हल्दी बिल्कुल 1/4 टीस्पून डाली है मैंने इसमें, और चिकन मसाला 1 टीस्पून मैंने इसमें यूज किया है। और हम इसमें ऐड करने वाले हैं दही, ये मैंने 3 से 4 टीस्पून यूज किए हैं। तो चलिए अब हम अपना चिकन मैरिनेट करने जा रहे हैं। मैंने अपने इस चिकन में सारे मसाले ऐड किए हैं, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपना चिकन अच्छे से मिक्स किया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेमन ऐड करने वाली हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, बट मैं थोड़ा सा सार फ्लेवर चाहती हूँ अपने चिकन में, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लेमन ऐड किया है। अब मैं इसे 1 से 1.5 घंटा मैरिनेशन के लिए रख रही हूँ। तब तक के लिए मैं अपना डो बनाती हूँ जो मुझे पिज्जा की क्रस्ट में जरूरत। अब हम पिज्जा का डो बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हमने 1 कप मैदा लिया है, 1/4 कप दही लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है या नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच चीनी लिया है, आधा चम्मच, चम्मच से मेरा मतलब है टीस्पून, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और आधा चम्मच बेकिंग सोडा लिया है हमने। और हम इसमें गुनगुना वाटर ऐड करने वाले हैं, ल्यूकोम वाटर ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम अपना डो बनाते हैं। इसमें मैं अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ। इसमें हमारा कर्ड जाएगा, 1/4 कप है। अब मैं इसे मिक्स करने जा रही हूँ। अब हम पहले अच्छे से मिक्स करते हैं। अब इसमें हम अपना वाटर ऐड करेंगे। वाटर बिल्कुल इंटरवल्स में जाएगा, ऐसे एक साथ पूरा नहीं। इसमें हम थोड़ा और वाटर ऐड करेंगे। हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट बनना चाहिए। अब हम इसे अच्छे से मसल देते हैं। तरह से हम इसका एक गोल सा पेड़ा बनाते हैं। अब देखिए, कुछ टाइम के लिए हम इसे अपने बर्तन में रखने के बाद इसे यूज करने वाले हैं। तो अब हम इसे अपने बर्तन में रख रहे हैं और इसे तब तक के लिए लिड से कवर रखते हैं। 15 से 20 मिनट तक हम इसे अब ऐसे ही बंद रखते हैं। तो जो चिकन हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था वो हम अब निकाल रहे हैं एंड अब हम इसे फ्राई करेंगे। हम इसे तब तक फ्राई करेंगे कि जब तक कि इसकी जो ग्रेवी है ये पूरी सूख ना जाए। अब हम ये अपना चिकन ऑयल में फ्राई करने जा रहे हैं। याद रखिए, इसे हम इतनी देर तक फ्राई करने जा रहे हैं जितनी देर तक इसकी ग्रेवी पूरी तरह से सूख ना जाए। जितनी देर को हमारा चिकन फ्राई हो जाएगा उतनी देर में हमारा डो भी रेडी हो जाएगा। इस समय हम इसे आप थोड़ा सा स्टर करते हैं। इसे हम थोड़ी देर लो फ्लेम पे रखते हैं और पकने देते हैं ताकि हमारा चिकन जल ना जाए। अब हमारी ग्रेवी बिल्कुल सूख गई है, तो बिल्कुल चिकन पीसेस से आ गई है।
तो अब हम अपनी गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं एंड इसे थोड़ी देर साइड पे रख देते हैं। अब 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम अपनी पिज्जा का क्रस्ट बनाने वाले हैं। इस डोम को हम बीच से हाफ करने वाले हैं। अब हम अपनी पिज्जा की क्रस्ट को साइड से मोटा रखेंगे, इसे पतला नहीं ज्यादा करना है, या तो आप इसे हाथों से ही खोल दें। हम इसे रोलर से रोल करते हैं, तो अब हम इसे रोल करने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये साइड से बिल्कुल ही मोटा रहना चाहिए। अब मैंने प्लेट को थोड़ा ऑयल से ग्रीस किया है, बिकॉज हम अपना पिज्जा पैन में बनाने जा रहे हैं। अब इसके ऊपर हम अपना पिज्जा का क्रस्ट डालने वाले हैं। तो अब मैंने पिज्जा के क्रस्ट को इस प्लेट पे रख दिया है एंड अब मैं इसे थोड़ा साइड से, याद रहे कि हमारे साइड्स बिल्कुल थिक रहनी चाहिए। अब इस क्रस्ट पे मैं अपना पिज्जा सॉस अप्लाई करने जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल ही होममेड है। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बिल्कुल ही इजी रेसिपी है, जो कि आप खुद भी बना सकते हैं। हम इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब मैं इस पे मोजरेला चीज ग्रेट करके डाल रही हूं। जितनी मोजरेला चीज की क्वांटिटी होगी उतना ही अच्छा हमारा पिज्जा बनेगा। ये होगी हमारी चीज। अब हम इसमें अपना चिकन ऐड करने वाले हैं, जो हमने ऑलरेडी फ्राई किया था। इसमें हम थोड़े से कैप्सिकम्स ऐड करेंगे, अनियंस ऐड करेंगे और ग्रीन चिली ऐड करने वाले हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड करने वाले हैं। इसमें कुछ ग्रीन चिलीज ऐड करने वाली हूँ। इसके ऊपर से थोड़ा मोज़रेला चीज स्प्रिंकल करने वाले हैं और ये हम स्प्रिंकल कर रहे हैं। मेरी पैन हीट हो चुकी है, तो इसमें मैं अपना पिज्जा रखती हूँ। इसमें मैंने अपना पिज्जा रख दिया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करने जा रहे हैं 5 से 10 मिनट। तब तक हम इसे लिड से कवर करते हैं। अब देखिए हमारा पिज्जा कितना अच्छा निकल के आया है। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छी स्मेल दे रहा है एंड बिल्कुल इजी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।